तो दोस्तों यह है 5 वोल्ट केबल सेटअप बॉक्स एडाप्टर जो कि खराब हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका एडाप्टर चाहे वह 5 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो अगर वह खराब हो जाता है तो आपको सबसे पहले कहां पर चेक करना होता है और कौन कौन से स्टेप फॉलो करना होता है जिससे कि आपके एडाप्टर में फॉल्ट कहाँ पर है आसानी से पता चल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, से हर तरह के रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहो डट के, क्योंकि हमारा रिपेयर करने का अंदाज होता है जर हट के। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है जो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई जो केबल सेट ऑफ बॉक्स के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एडाप्टर हो चाहे वह 5 वोल्ट को चाहे 12 वोल्ट को, आप जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से आपको उसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसे सप्लाई में लगा दिया है और इसका सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है 5 वोल्ट का, उसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे और इसे 20 वोल्ट डीसी में सेट कर दें और इसका जो लीड है दोस्तों वहाँ पर हम इसका जो वोल्ट है उसे चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एडाप्टर है वह डेड हो चुका है, इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा हम आपको बताएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जो एडाप्टर है उसे ओपन कर लेना है और आपको ओपन करते समय ध्यान रखना है ये जो वायर जहाँ से लगा हुआ है वहाँ से आपको खोलना, इस प्रकार है तो आसानी से खुल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसे ओपन कर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये इस लीड वायर को हम सबसे पहले चेक करेंगे। दोस्तों अगर आपका एडाप्टर खराब होता है तो आपको सबसे पहले इसका जो लीड वायर है उसे चेक कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, तो उसका मतलब दोस्तों ये हमारा एक वायर सही है। और इसका दूसरा वायर को चेक करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका दूसरा वायर भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लीड है वह बिल्कुल सही है। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी लीड खराब हो जाता है जिस कारण से सप्लाई नहीं आता है और हम उसे खराब समझ बैठते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या होगा, आपको इस तरह से खोलने के बाद इसका जो सभी कंपोनेंट है दोस्तों उसे बारी बारी से ध्यान से देखना है कि कहीं जो कैपेसिटर लगा हुआ है वह कटा फटा तो नहीं है, जो फूला तो नहीं है, और बाकी का जो कंपोनेंट दोस्तों उसको अच्छे चेक कर लेना है कि कहीं पर जला तो नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस है वह हल्का सा जला हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों हम इसे बाद में देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। हम उसके अलावा दोस्तों इसका जो बाकी का कंपोनेंट है उसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे कि इसमें जो डायोड लगा हुआ है वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो दोस्तों हम इसमें जो डायोड लगा हुआ है उसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डायोड है वह बिल्कुल सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसमें जो डायोड लगा हुआ उसको सभी को आपको चेक कर लेना है कहीं पर शॉर्ट तो नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपको चेक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, दोस्तों इसके बाद हम यह चेक करेंगे कि इसका जो प्राइमरी सेक्शन है वहां पर डीसी वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सप्लाई वाला वायर है ये वाला उसको हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो वायर है वह छोटा है तो हमें चेक करने में दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर है उसको निकाल देते हैं और इसमें एक अलग सा टू पिन लगा हुआ वायर लेंगे इस प्रकार का, और इसे सप्लाई वाली पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे इस तरह से, जिससे हमें चेक करने में आसानी होगा। तो दोस्तों इसमें दो सेक्शन है, एक यहाँ पर देख सकते हैं जो नीचे वाला यहाँ पर मार्क हुआ है दोस्तों, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है, इसमें एसी वोल्ट होता है और यहाँ पर डीसी वोल्ट होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें का जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ आप देख सकते हैं, वो कैपेसिटर में दोस्तों हम चेक करेंगे कि यहाँ पर डीसी सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरह से डीसी सप्लाई चेक करना है कि इसमें डीसी सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे हमने अपने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। दोस्तों आप कभी भी सप्लाई इस तरह से चेक कर रहे हैं तो आपको सीरीज बोर्ड से ही चेक करना होगा ताकि आपका जो शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है उससे बच सके। तो दोस्तों हम यहाँ पर मल्टीमीटर को पहले एसी वोल्ट में चेक करेंगे इस प्रकार से कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो करेंट सप्लाई आ रहा है 240 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम हमारा मल्टीमीटर को 1000 डीसी में रख देंगे और इसमें जो कैपेसिटर है वहाँ पर चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कैपेसिटर है उसमें वोल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों फॉल्ट हमारा प्राइमरी सेक्शन में है। दोस्तों अगर हमारा डीसी वोल्ट बताता है यहाँ पर तो हम आगे इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है वहाँ पर चेक करते,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि जो कैपेसिटर है वहाँ पर डीसी वोल्टेज नहीं बताया, यानी कि दोस्तों इसका जो फॉल्ट है इसके आसपास ही है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो रेजिस्टेंस था वह जला हुआ नज़र आ रहा था, तो दोस्तों अब हमें श्योर हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डीसी वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस जला हुआ दिख रहा है वह खराब हो चुका है। दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वह एक फ्यूज के तौर पर लगा हुआ रहता है, तो सप्लाई यहाँ से फ्यूज में जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप चाहे तो नया रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं दोस्तों तो आप इस प्रकार का जो कॉपर का वायर होता है उसमें का आपको खाली एक वायर लेना है और एक वायर से दोस्तों आपको सीधे जम्पर लगा देना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वायर को जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसके जगह पे हम एक जम्पर के तौर पे लगा देंगे। दोस्तों हम यहाँ पर पतला वायर इसलिए यूज करें ताकि जब कभी भविष्य में इसका जो शॉर्ट सर्किट हो तो यह तार है वह उड़ जाए और हमारा जो अडाप्टर है वह खराब होने से बच सके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक जम्पर लगा दिया जो रेजिस्टेंस जला हुआ था। तो उसके बाद दोस्तों हम इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अडाप्टर तो बंद पड़ा हुआ था तो वह चालू हो चुका है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें जो डीसी आउटपुट 5 वोल्ट है वह सप्लाई हो रहा है कि नहीं उसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 5.6 वोल्ट डीसी आउटपुट बता रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा जो अडाप्टर है वह बिल्कुल ओके हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से आपका कोई भी अडाप्टर हो इसी तरीके से उसका रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।